ठीक है जी। हाँ जी, आ जाओ। बढ़ने से पहले मैं आपके लिए गिव अवे लेके आया हूं, जिसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही इजी है। देन डिस्क्रिप्शन में मैं उस ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप डाउनलोड करिए। देन वहां पे आप साइन अप करके क्रिएट अकाउंट में जाके सिलेक्ट अपनी ईमेल आईडी कर लीजिए। सबसे पहले आपने बोनस पे जाना है, वहां आपको फ्री बिटकॉइन मिलेगा जिसको कि आप विड्रॉ कर सकते हो या फिर उसको आप स्पिन करके रिवॉर्ड जीत सकते हो। वहां पे आप मेरा प्रोमो कोड HSB ऑफिशियल भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। और आपके लिंक के थ्रू कोई डाउनलोड करता है, यहाँ तक कि वो कोई अमाउंट भी डिपॉजिट करता है, तो उसका भी आपको 40% तक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इन सब चीजों के अलावा भी और भी गेम्स मिल जाती है, लेकिन अब मैं आपको क्रैश खेल के दिखाता हूँ। साइड में देख रहे हो, यहाँ पे पैसे लगाने से रॉकेट ऊपर जाता है, जितना रॉकेट ऊपर जाएगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा। ये देखो, यहाँ पे मैंने रोक दिया तो यहाँ पे मुझे 3 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इस ऐप में डिपॉजिट और विड्रॉ भी बहुत ही ईजी है, किसी भी मेथड में आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक या UPI में आप विड्रॉल भी दे सकते हैं। अब आती है मेन बात, जो कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है हमें। सो गाइस, आपको इसमें सिर्फ 50 रुपीज डिपॉजिट करना है। नीचे आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक मिलेगा, देन वहाँ पे आपको फोकस बैट की यूजर आईडी देनी है, देन अपना पेटीएम नंबर देना है। डेली मिलेगा 10 लकी विनर्स को 250 रुपीज का पेटीएम। देन ये जो गिव अवे है सिर्फ 1 वीक के लिए अवेलेबल है, तो फटाफट जाइए लिंक इन डिस्क्रिप्शन और जाके फोकस बैट को डाउनलोड करें। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज HSB, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस, फाइनली यार फिर दोबारा अपनी Z1000 पे, और भाई आज जा कहाँ पे रहे हैं हम, गाड़ी की तलाश कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कोई गाड़ी हमें मिल जाए, थार वार कोई या और कोई गाड़ी मिल जाए, यदि बजट के अंदर मिल जाए, ज़्यादा पैसे ना खर्चने पड़े, एक बार जाके देखते हैं कि कोई गाड़ी पसंद आती है। तो 2-3 दिन से वहीं पे मतलब लगे हुए हैं गाड़ी के चक्कर में, कि फटाफट जाओ भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल, 1 मिलियन करवा दो, 1 मिलियन पे धमाका होने वाला है, सेंड करो चैनल, 980,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो भाई फटाफट जाओ 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ, 20,000 रह गए हैं सिर्फ। 1 मिलियन पे लेनी तो ये बाइक थी, बट ये हमने पहले ले ली, अब 1 मिलियन पे भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। एक सपना होता है कि एक अचीवमेंट पानी 1 मिलियन, क्योंकि मेरे और भी अकाउंट्स हैं, जोश पे भी मैं वर्क करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी वर्क करता हूँ, यूट्यूब पे भी, और भी एक दो ऐप्स हैं, मेरी वीडियोस वहाँ पे डल रही हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट हमें यूट्यूब पे मिली है, वो मिली है 1 मिलियन की। तो हम ये चाहते हैं कि जो 1 मिलियन हुए हैं तो उस पर कुछ ना कुछ धमाका होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पहले के लगे हुए हैं और बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, बाकी हम ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाता है, गाड़ी मिल नहीं रही, जो गाड़ी को हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही। चलो भाई, अब यहाँ से लेते हैं राइट। मैंने अपने बिजनेस के बारे में आपको नहीं बताया, तो यार मेरा एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है छोटा सा, और साथ में चलते हैं अब वहाँ पे जाके करेंगे कैमरा ऑन, क्योंकि यहाँ पे तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है आजकल, पता नहीं कैसा सूखा तो मौसम हुआ पड़ा है। ओए अंकल जी, मार ना दे कितने भाई, वहाँ पे हमेशा पुलिस वाले खड़े होते हैं, 2 बारी मुझे रोका, और आजकल तो भाई पुलिस वालों की ना स्ट्रिक्टनेस बहुत हुई पड़ी है। कल रात को मैं गुरुद्वारा साहिब से आ रहा था, यही वाली बाइक लेके, तो मुझे रोक लिया था उन्होंने, बट वही है कि गाड़ी के पेपर्स वगैरह पूरे होने चाहिए, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बचपन में ना 4-5 साल मतलब पहले से मैं मर्सिडीज़ का शौकीन था, कि भाई मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए। उसके बाद जो मेरा ड्रीम था ना, वो कहते हैं ना कि टाइम के साथ में सपने भी चेंज हो जाते हैं, अब मुझे रेंज रोवर अच्छी लगने लगी है, इवॉक तो। बट बाकी ये कि ये गाड़ियाँ यार बहुत एक्सपेंसिव है, आपको खुद मालूम है, और नवा साहब हमारे साथ है। भाई कैसे करना चाहिए, मर्सिडीज़ का शोरूम चलना चाहिए? हेलो, फेस हाँ जी, हाँ जी, कैमरे चाहिए, कैमरा चल रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, मैं दिखा दे रहा हूँ, हेलो जी, ठीक है ठीक है जी। चलो भाई, इनके साथ फोटो क्लिक कर लेते हैं, कोई सब्सक्राइबर मिलते हैं, ठीक है जी। चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ओके जी, नाइस टू मीट यू, बाय बाय बाय, कोई गल, थैंक यू भाई, थैंक यू यार।
बहुत अच्छा लगता है भाई ऐसे लोग मिलते हैं। आज कैमरा लगा हुआ था तो ऐसा मोमेंट रिकॉर्ड हो गया। भाई मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हम चाहते हैं कि गाड़ी ऐसी हो कि जो एवरेज भी दे, थोड़ी लग्जरी टाइप भी हो, तो हम इसलिए देख रहे हैं कि कोई बता रहा था कि मर्सिडीज के शोरूम में जो उनसे 40 से 45 लाख के बीच में भी स्टार्टिंग है गाड़ी की, जैसे GLA हो गई, सी क्लास हो गई, CLA हो गई। तो बाकी हम एक बार ही जाके चेक करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं सीधा जाके हम। सो गाइज फाइनली आ चुके हैं हम ये मर्सिडीज बेंज ने बाइक लगानी है, यहाँ पे लगा देते हैं बाइक को। उतरी बाइक से अपनी अपनी मर्सिडीज इधर लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना निकलने निकलने में? ठीक है, एंट्रेंस कहाँ से आगे से? ठीक है, चलो भाई हम आ चुके हैं, चलते हैं अंदर। ओए गाड़ियाँ वहाँ क्या बात है भाई, पूरी लग्जरी क्लास मिलेगी। हेलो मैम, हाउ आर यू? नहीं नहीं वो हमारा बॉडी शॉप है। अच्छा, गाड़ी आपके प्लेस पे आ जाएगी गाड़ी लेके कल? मुझे थोड़ा सा जल्दी था, मुझे आज फाइनल करनी थी, मुझे एक दो दिन में गाड़ी लेनी है। तो मैं पहले बात करवा देती हूं आपकी। ये देख रहे हो भाई क्या लग रही है, ये भी बहुत सही चीज लग रही है। ओह हो, मर्सिडीज का लोगो, और ये हमारी मर्सिडीज खड़ी हुई है। मैं कहा हमारी मर्सिडीज कैसे लग रही है? ये वाली? अच्छा। निकल चुके हैं शोरूम से भाई, गाड़ियाँ देखी एक से एक है, पसंद तो बहुत है, बाकी जो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा। पर कहते हैं ना बंदा सोच बना लेना जब, तो वो कभी ना कभी चीज़ खरीद लेता है। तो बाकी मैं बताता हूँ, मेरा बचपन से ना एक ही ड्रीम था कि मर्सिडीज लूँ, मैं मर्सिडीज लूँ। मतलब बचपन से मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे लड़कों के लिए तो BMW है, उनसे स्पोर्ट हो गई, 520D हो गई, तो ये चीज़ें 530 हो गई, ये मतलब लड़के लोग चलाते हैं गाड़ी ज़्यादा ना BMW। निकल रहे थे यहाँ पे भाई, इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। चल भाई, भाई मेरा तो क्लच उड़वाओगे लग रहा है भाई, ये ऊपर इतना भारी है ना सीरियसली। पर ना यार इससे ना एक फ़ायदा है, Z1000 से ना लैग बहुत बढ़िया लग जाती है। और अब ऊपर जा रहे तो मैंने कहा चलो भाई की हेल्प कर देते हैं, पर पहिए इसके जैसे हिल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है पहिया निकल के कहीं मेरी बाइक के अंदर ना फंस जाए, बहुत भारी है यार सीरियसली। चलो भाई अगले की हेल्प हो गई, चढ़ गए हैं, आराम से उतर जाएगा मेरा भाई। लो जी हाथ दे दिया, ठीक है जी। चलो यार खुश हो गया। फ्लाईओवर वगैरह में तुम भी यार स्कूटर स्कूटी से जा रहे होते हो तो लात लगा दिया करो, थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो, 2 मिनट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है अंधेरा पड़ जाना है जाते जाते। एक तो ठंड के अंदर ना टाइम देखो भी क्या हुआ, ये देखो 5:45, मतलब कि 6:45 हो रहे हैं और पूरा अंधेरा बस पड़ने ही वाला है, और मैंने एक ग्लास लगाया हुआ है तो मुझे साफ ही दिख रहा है कि अंधेरा पड़ चुका है। भाई हम जा रहे हैं CP अशोका होटल, जहाँ पे मर्सिडीज़ का शोरूम है, वहाँ पे चल के करेंगे कैमरा ऑन और देख के आते हैं भाई गाड़ी है कैसी, क्योंकि मुझे ना मर्सिडीज़ बहुत पसंद है शुरू से। तो एक बार शोरूम चलते हैं और देखते हैं भाई गाड़ी, कोई टेस्ट ड्राइव वगैरह तो ले ही सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते तो भाई टेस्ट ड्राइव तो ले ही सकते हैं ना। चलो भाई चल रहे हैं वहाँ पर जाके करेंगे कैमरा ऑन। तो गाइस आ चुके हैं मर्सिडीज़ के शोरूम में, ये खड़ी है न्यू सर्टिफाइड सी क्लास, अवेलेबल होगी दिखा दीजिए कहाँ पे है। S63 ये है कैफे मर्सिडीज का, और ये खड़ी है न्यू GLC 4Matic। थोड़ी बीच में ना रूमी लगती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ी सी छोटी है ना गाड़ी, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है ये। ये बेसिकली सर सीट अभी इन्होंने ना कॉम्पैक्ट सेडान है, कॉम्पैक्ट सेडान। अभी ना हमने अपना स्टॉक चेंज किया क्योंकि मंथ एंड है ना, तो अब नेक्स्ट मंथ जनवरी में आएंगी कार। हम एक बार ना ये दिखा देते हैं, एक बार ये भी खड़ी हुई है सी क्लास।